रहमान रहीम थ्योरम 14.2 करने वाले हैं। थ्योरम 14.2 में कहा गया है कि इफ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, इफ अ लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट्स द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशो, ये इस और इसकी जो रेशो है वही इस और इसकी रेशो बने, इन द सेम रेशो देन इट इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो वो जो लाइन है वो तीसरी साइड के पैरेलल होगी। हमारे पास ट्राइंगल ACB है, ये ट्राइंगल है ACB है ABC। इस ट्राइंगल में ED लाइन इंटरसेक्ट कर रही है E और D पॉइंट्स पे AC और AB को, AC और AB को इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसे तरीके से कि जो रेशो AD रेशो DB है वो बराबर आ जाए AE रेशो EC के। तो गिवन में ये लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC ED इंटरसेक्ट्स AB एंड AC एट पॉइंट्स E एंड D, ई और डी पे इंटरसेक्ट किया ऐसे तरीके से कि AD रेशो DB बराबर बने AE रेशो EC के। वो भी ये करना है कि जो वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस रेशो में वो पैरेलल है अपोजिट साइड के, तो ED पैरेलल टू BC है प्रूव करना है हमने। कंस्ट्रक्शन में ये करेंगे, कंस्ट्रक्शन इस वाले थ्योरम की थोड़ी सी डिफरेंट है, उसमें थोड़ी सी सपोजिशन है। सी को थोड़ा साइड पर लिख लेते हैं। इसमें एक चीज़ सपोज करनी है, सपोज ये करना है कि ये इसके पैरेलल नहीं है, तो एक ऐसा पॉइंट ले लेंगे, इसको आगे बढ़ा के एक ऐसा पॉइंट ले लेंगे F नाम है उसका, कि अब ये जो नई ट्राइंगल बनी है ये साइड और ये साइड अब पैरेलल है, ED पैरेलल है FB के, एक नई ट्राइंगल बन गई ऐसे ABF, ये साइड कहते हैं इसके पैरेलल है, तो देखते हैं क्या बनता है इसमें। BF पैरेलल है ED के, अगर BF पैरेलल है ED के तो ये और डिवाइड बाय दिस इज इक्वल्स टू दिस डिवाइड बाय दिस, यानी ये रेशो और ये रेशो बराबर होनी चाहिए। इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या किया, कंस्ट्रक्शन में लिखा इफ ED इज नॉट पैरेलल टू CB, ED को पैरेलल CB के नहीं रखा, अगर इसके पैरेलल नहीं है तो एक ऐसा पॉइंट ले लेते हैं, ड्रॉ BF पैरेलल टू D, BF ड्रॉ कर दिया DE के पैरेलल टू मीट AC प्रोड्यूस एट F, AC को प्रोड्यूस करके F तक मिला दिया सिंपली। इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब ये ट्राइंगल थी ABC पहले से, इसमें ED पैरेलल नहीं है BC के, तो BF पैरेलल लिया ED के, एक ट्राइंगल बनी ABF। अब ABF ट्राइंगल की बात करते हैं, इन ट्राइंगल ABF, ट्राइंगल ABF में क्या है, ED पैरेलल है FB के, ED अगर पैरेलल FB के तो MAD रेशो MDB, MAD रेशो MDB बराबर आनी चाहिए MAE रेशो MEF के। MAE रेशो MEF के ऐसा क्यों है, क्योंकि ED पैरेलल FB के। ED पैरेलल FB तो के, तो उससे ये सारी बात कैसे पता चलती है, वो इसलिए क्योंकि अगर कोई लाइन पैरेलल हो अपोजिट साइड के और वो कट कर रही है दो साइडों को, तो वो एक इक्वल रेशो में कट करती है, यानी ये डिवाइड इस रेशो के बराबर बनती है। AD रेशो DB इज इक्वल्स टू AE रेशो EF लिख दिया। अब ये रेशो के फॉर्म में लिखा, इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे, AD ओवर DB इज इक्वल्स टू AE ओवर EF, सिंपली उसको इस फॉर्म में किया और लिख देंगे यहाँ पे, या इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी दबार लिखें, मतलब आगे रीजन देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन गिवन में एक बात हुई थी, गिवन में क्या बात हुई थी, गिवन में ये बात हुई थी कि AD रेशो DB जो है, यानी
AD रेशियो MDB, ये गिवन के तब की बात देख रहा हूँ, MAD रेशियो MDB इज इक्वल टू MAE रेशियो MEC, गिवन में तो ये बात हुई थी कि ED ने ऐसे तरीके से कट किया कि AD रेशियो DB बराबर बने AE रेशियो EC के, ये रेशियो EC के, इसकी रीजन में आगे गिवन लिखी था, इसको भी बटे के फॉर्म में लिखते हैं, और एम ए डी ओवर एम डी बी इक्वल है एम ए ई ओवर एम ई सी के, इसको अगर वन कहें इसको टू कहें, इन दोनों को कंपेयर करने से लेफ्ट हैंड साइड ए डी ओवर डी बी है, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड ए डी ओवर डी बी है, अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो तो राइट हैंड साइड बराबर होती है, राइट हैंड साइड को लिखते हैं एम ए ई ओवर एम ई एफ इक्वल है एम ए ई ओवर एम ई सी के, ये मैं कैसे कह सकता हूँ वन और टू से, वन और टू की तरफ नजर जुड़ाएंगे तो पता चल जाएगा। अभी ज़्यादा कर चुके हैं, एक दफ़ा इसे रिकॉल करते हैं, ये जो पहली स्टेटमेंट लिखी थी वो एक नई ट्रायंगल जो हमने बनाई थी ए बी एफ उससे पता चली थी, हमने सपोज किया था कि बी एफ पैरेलल है डी के, मतलब मान लेते हैं ई डी पैरेलल नहीं है बी सी के, तो ई डी बी एफ के पैरेलल है, ई डी बी एफ के पैरेलल, ये नई ट्रायंगल बनी, इसमें ए डी रेशियो डी बी, ए डी रेशियो डी बी बराबर है ए ई रेशियो ई एफ के, ए ई रेशियो ई एफ के, लेकिन गिवन में ये बात की थी, अब इन दोनों को देखा एक दफ़ा तो पता चला लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर होगी, वो लिख ली। अब इससे आगे चलते हैं, अब ए ई रेशो ए बराबर है ए ई ओवर ई एफ बराबर है ए ई ओवर ई सी के, यानी दोनों की फ्रैक्शंस में, दोनों फ्रैक्शंस में जो के बराबर हैं न्यूमिरेटर बराबर है, अगर दोनों फ्रैक्शंस बराबर हो न्यूमिरेटर बराबर हो तो डिनोमिनेटर को बराबर लिख सकते हैं, यानी ई एफ को ई सी के बराबर लिख सकते हैं, इसको थ्री कह लेते हैं, तो थ्री से यानी रीजन में फ्रॉम थ्री, थ्री से एक बात पता चली कि ई एफ और ई सी आपस में बराबर है, ये फासला ई एफ, ये पूरा फासला ई एफ और ये फासला ई सी आपस में कैसे बराबर हो सकते हैं, ये तो नामुमकिन सी बात नज़र आती कि ये फासला और ये फासला कोई कई बराबर है, असल में जो डायग्राम हम ड्रा करते हैं उसमें सपोजिशन होती है, कंप्लीट सपोजिशन, अब इससे ये पता चलता है कि ये फासला और ये फासला एक ही सूरत में बराबर हो सकते हैं कि ये और ये पॉइंट जो है इनका वो एक ही पॉइंट हो, यानी ई एफ और ई सी कैसे बराबर हो सकते हैं, दिखने में भी ई एफ ई सी बराबर कैसे हो सकते हैं, एफ और सी एक ही पॉइंट हो, यानी एफ और सी की वैल्यू बराबर हो, मतलब एफ और सी पॉइंट ही एक हो, इधर लिखेंगे दिस इज पॉसिबल ओनली इफ, ये एक ही सूरत में पॉसिबल है, एफ एंड सी आर सेम पॉइंट्स, एक ही सूरत में पॉसिबल है अगर एफ और सी सेम पॉइंट्स हैं, अब अगर एफ और सी हैं ही सेम पॉइंट्स तो हम कह सकते हैं कि ई डी पैरेलल टू बी एफ ही हमने किया था, ई डी पैरेलल टू बी एफ ये लिखा था, ये बात कहाँ पे हुई थी, ये कंस्ट्रक्शन में किया था, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि ई डी पैरेलल है बी एफ, ये बी एफ है, बी एफ और बी सी एक ही बात है क्योंकि एफ और सी तो एक ही पॉइंट है, बी एफ की जगह पे बी सी लिख दिया, ई डी पैरेलल टू बी सी लिख दिया, लिख सकते हैं एफ की जगह सी लिख दें, सी की जगह एफ लिख दें क्योंकि एक ही तो पॉइंट है, अगर लिखे एफ एंड सी आर सेम पॉइंट तो इसकी रीजन में आगे लिखेंगे एफ एंड सी आर सेम पॉइंट, एफ और सी सेम पॉइंट है इस वजह से ये बात की हमने, ये चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि ED पैरेलल है BC के, वो प्रूफ की जो चीज़ प्रूव करनी है उससे पहले हैंस लिख देते हैं, ये थ्योरम नंबर 14.2 था।